हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी। हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 2 का पॉइंट 3-4 दोनों कंप्लीट कर लिए थे। अभी हम हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 हमारा है पेज नंबर 23 पे। यह मानी दिस और इसके साथ है इस मानी, जो उसका हम पर्टिकुलर बताते हैं कि क्या है उसके पास, और उसके साथ है वह मानी है, और उसके साथ आता है उस। ये हमने टेक्स्ट बुक के कंप्लीट वीडियो में आपको समझा दिया था, मगर वर्कबुक में ज्यादा एक्सरसाइज है तो ये अलग से हम आपको करवा रहे हैं। और ये मानी दिस, उसके साथ आएगा इन, और वे मानी दोज, उसके साथ आएगा उन। इन उन इस उस यह इस वह उस ये इन वे उन। पेज नंबर 23 है, पढ़िए देखिए। यह तनिष है, इसके पास किताब है। यह तो इसके साथ क्या आया, इस। अभी पेज नंबर 24, ये तितलियां है, क्या आया ये, तो इनके पंख रंग बिरंगी है, ये के साथ क्या आया इन। यह वह कौवा है, उसका रंग काला है, वह तो उसके साथ आया उस। वे दो पेड़ है, उन पर बगुले बैठे हैं, वे उसके साथ आया उन। देखो अभी एक्सरसाइज भी पेज नंबर 24 पर है। कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। पहली है वह गाय है, खाली जगह पूछ लंबी है। वह नहीं, सॉरी, यह गाय है, यह गाय है, खाली जगह पूछ लंबी है। यह के साथ क्या आएगा, इस, तो खाली जगह में आएगा इसकी पूछ लंबी है। सेकेंड वन, मैं आंसर ही लिख रही हूँ खाली जगह के। ये कुत्ते हैं, खाली जगह मुंह में रोटियां है, ये तो उसके साथ आएगा इनके, क्या आएगा इनके, इनके मुंह में रोटियां है। तीसरी, वह घोड़ा है, खाली जगह रंग सफेद है, वह के साथ क्या आएगा, उस, तो खाली जगह में आएगा उसका, उसका रंग सफेद है। चौथी, वे फूल है, खाली जगह रंग सुंदर है, उनका के उसका, तो उनका, वे के साथ आएगा उनका, क्या आएगा उनका। अभी पॉइंट नंबर है 6। मैं मानी आई, मैं मानी आई, हम मानी वी, तुम मानी यू, और फिर है आप मानी यू। आप रिस्पेक्टेबल होता है और तुम मानी हमसे छोटे होते हैं, उन्हें हम तुम कहते हैं। जब आपने गुजराती में तू कहिए अने तमे कहिए, एम तमे आपने जे मोटा होय ने माटे वापरिए, એવી જ રીતે હિન્દી માં તમે માટે વપરાય છે આપ। इंग्लिश में दोनों के लिए यू ही होता है, अगर छोटे हो तो भी यू, बड़े हो तो भी। हिंदी और गुजराती में फर्क होता है। देखो यहाँ पे
खाली भी हो। देखो तीन है तो हम आ गया, एक के बजाय दो तीन हो तो हम आ जाएगा। पेज नंबर है 25, इसमें भी आपको देखो पिक्चर दिया गया है, मैं लड़की हूँ, मैं विद्यार्थिनी हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ। एक लड़की की बात है इसलिए मैं आ रहा। सामने पिक्चर में तीन लड़कियां हैं तो हम लड़कियां हैं, हम विद्यार्थिनियां हैं, हम स्कूल जाती हैं, हम पढ़ते हैं, हम पढ़ती हैं। पढ़ते हैं मानी वो इसके लिए है और हम पढ़ती हैं मानी वो कल के लिए है। सुनने वाला व्यक्ति छोटी उम्र का हो तो उसके लिए तुम शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखो ये छोटा बच्चा है, उनको ये बड़े भाई कह रहे हैं, तो तुम विद्यार्थी हो, तुम चौथी कक्षा में पढ़ते हो, और यहाँ पे बहन जी कह रही है उन्हें, तुम विद्यार्थिनी हो, तुम चौथी कक्षा में पढ़ती हो। ऐसा हमसे छोटे हैं तो हम क्या कहेंगे, तुम। ओके चलो अभी इसके नीचे अगर बड़े हो तो हम क्या कहेंगे, आप। क्या कहेंगे, आप किसान हैं, आप खेती करते हैं, आप मेरी दीदी हैं, आप मुझे पढ़ाती हैं। दीदी बड़ी है इसलिए हम उन्हें कहेंगे आप। अभी हम पेज नंबर 26, आप डॉक्टर हैं, आप अस्पताल जाते हैं, आप शिक्षक हैं, आप छात्रों को पढ़ाते हैं। सब बड़े हैं इसलिए हमने क्या किया, आप। स्वाध्याय पेज नंबर 26 पर ही है, उसमें पहला है खाली जगह तुषार बुद्ध, तो उसमें क्या आएगा, मैं। दूसरी है खाली जगह अभी बच्चे हो तो तुम, बच्चा ही है तो वहां पे क्या आएगा, तुम। क्या आएगा, तुम। तीसरी है खाली जगह विद्यार्थी है, हम। देखो हम क्यों आया, क्योंकि है के ऊपर अनुस्वार है, वो बहुवचन है, इसीलिए। सब कुछ याद रखो, जो पढ़ाया है वो भूल मत जाना बच्चों। खाली जगह डॉक्टर है तो वहां पे आएगा आप। चलो अभी इसके सेकंड में उसमें चलो सेकंड वन, खाली जगह लड़का हूं तो उसमें आएगा मैं। सेकंड वन का फर्स्ट और दूसरा, खाली जगह लड़के हैं, हम। देखो सिंगुलर प्लुरल एकवचन बहुवचन सब याद रखना है हमें। तीसरा, खाली जगह छोटी हो तुम, छोटी हो मानी छोटी है हमसे तो तुम। चौथी, खाली जगह धोबी है, आप लिख सकते हैं क्योंकि वो बड़े ही होंगे। पांचवा, खाली जगह शिक्षक है, आप। अभी थर्ड पॉइंट उसकी फर्स्ट, उसमें आपको क्या करना है, गलत शब्दों को काट दीजिए। वह, हम, तुम खेलते हैं तो हम खेलते हैं, आप। तो तुम, हम और है वह। तो क्या आ गए, वहां पे क्या आता है, हम। तो वह और तुम को काट दो। सेकंड वन, सेकंड वन में आंसर क्या आएगा, मैं, तुम, आप शरारती हो। तो तुम शरारती हो कि आप शरारती हो, क्या आएगा, तो आएगा तुम। छोटा है, बच्चा है, शरारती है, तो तुम। सेकंड वन का सिर्फ मैं आंसर लिख रही हूँ, तुम शरारती हो। तीसरा, अभी सिर्फ आंसर लिखूंगी, बाकी के तो गलत है, वो आप काट देना। मैं,